आज घर पे मेहमान आ रहे थे और दादी ने बोला चल आज मटर की सब्जी बना दे मेहमान के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज हम बनाते हैं ताज़ा मटर और उबले हुए आलू की टेस्टी सब्जी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच तेल का। जब तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे सारे खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, एक लाल मिर्च, एक चक्र फूल, 3-4 काली मिर्च। तो इसे भी हमने डाल दिया है। तो इसे हम करीब 5-10 सेकंड के लिए हम इसे इस तरह से फ्राई करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। जब जीरा चटकने लग जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 2 प्याज ली थी, प्याज को हमने चौकोर में चॉप कर लिया था। तो इसे भी हमें हल्का गोल्डन होने तक जैसे इसे चला लेना है। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी प्याज हल्की से गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च। अगर आपको हरी मिर्च का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हरी मिर्च डालने के बाद हम इसे 1-2 सेकंड के लिए इसे चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हम 8-10 सेकंड के लिए अच्छे से चला लेना है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8-10 सेकंड हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने पीस लिया था, इसे भी हम डाल देंगे। इसे भी हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं बस आपको इसी तरह से बना लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी, जिसमें हमने टमाटर पीसे थे ना, बस इसी जाल में मैंने पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें डाल दिया है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार हम डाल देंगे नमक, 1 चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हमें सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है और इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। तो बस इसे हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे मसाले में से जो कच्चापन है वो निकल जाए और मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और इसमें से तेल भी अलग हो चुका है। तो यहाँ पे हम 1 कप ताज़ा मटर डाल देंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मटर और मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे 7-8 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। तो ये देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम मटर को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे मटर बस थोड़े से ही कच्चे हैं। तो अब हम इसे आलू के साथ भी अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने उबाल के रखे थे। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज के हमने आलू लिए थे, इसे हमने उबाल के इसे चौकोर शेप में हमने कट कर लिया था। तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे करीब 7-8 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे ढक दिया है 7-8 मिनट के लिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं, 7-8 मिनट हो चुके हैं। तो इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है और मटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और आलू को तो हमने उबला हुआ ही डाला था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी अच्छे से बन चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और साथ में हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम डाल देंगे हरा धनिया। धनिया डालने के बाद हमें इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हमें बंद कर लेना है। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसे सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए इतनी टेस्टी और लाजवाब हमारी सब्जी बन गई, देखते ही मुँह में आ गया है पानी। तो आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, चपाटी के साथ भी खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इतनी टेस्टी और लाजवाब बनने की ये सब्जी। दोस्तों मेरे कहने पे एक बार ज़रूर अपने घर पे ये सब्ज़ी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है।
तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।